हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्य पत्रक है 93 कक्षा 4-5 गणित कार्य पुस्तिका। दक्षताएं दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा और भाग की समझ बना पाना। हम गुणा और भाग सीख पाएंगे। जैसे पीछे हमने हल किया था इकाई दहाई के भाग, अब सैकड़ा के देखो भी हल कीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा, 606 में 6 का भाग देना है तो एक बार जाएगा, ये क्या आ गया, अभी 6 आ गया, 6 में 6 गए 0, ऊपर से क्या उतार लिया हमने भी 0, 0 में भाग जाता नहीं है तो एक और अक्षर उतारेंगे, एक अक्षर और उतारेंगे उससे पहले 0 लगाएंगे। यहाँ पर क्या उतार लिया, अभी 6 उतार लिया। अब 6 का भाग 6 में जाता है एक बार, 6 1 6, 6 में 6 गए 0। इस प्रकार अगर 0 होता है उतारते हैं तो 0 आगे भी जाएगा, भाग नहीं जाता है तो। अगर भाग जाता है तो हम शून्य नहीं लगे, जैसे यहाँ पर 7 होते 7 में से 6 जाते, यहाँ 1 आता फिर 0 होता, 10 में फिर 6 का भाग जाता है तो शून्य नहीं लगाएंगे। अब आ गया 101 आंसर आपका। उसी प्रकार ये देखो 525 में 5 का भाग देना है, पहले 5 में देखकर देखो जा रहा है, 5 1 5, 5 में से 5 गए 0, उतार लिए हमने 2, 2 में 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता तो आपको यहाँ पर शून्य लगाना पड़ेगा। फिर हमने कितना उतार लिया, अभी 5 उतार लिया, एक उतारा इसमें भाग नहीं जाता, शून्य आगे लगाओ फिर दूसरा उतार लो 5, तो 5 5 25, 5 में से 5 गए 0, 2 में 2 भी 0, ये 105 तो आंसर आ जाएगा आपका। किस संख्या को इससे गुणा करके देखोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो, इसको इससे गुणा करोगे तो भी आ जाएगा। अगर सभी संख्या उतारते हैं फिर भी भाग नहीं जाता तो आपको आगे शून्य लगाना है। 707 है, 7 का भाग देंगे, 7 1 7, 7 में 7 गया 0, उतार लिया 0, 0 फिर नहीं जाता तो आपको 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो एक एक और उतार सकते हैं हम, क्या उतारेंगे भी 7, 7 में जाता है, 7 में 7 गया 0। 612 हम देखो 6 का भाग देना, एक बार गया 6 आ गया 0, एक उतार लिया, एक में भाग जाता है 6 आ गया, नहीं जाता, नहीं जाता था वो शून्य लगाओ दूसरा अंक उतारने के लिए, फिर क्या उतारा हमने 2 उतार लिया, 6 का फिर जाता है 6 2 12, दूसरा अंक उतारेंगे तो ऊपर भी शून्य लगाना पड़ेगा अपने को। ये इस में हम विशेष बात सीख पाए हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल के पास 240 मोती हैं, कितने मोती हैं अभी, 240, उसे एक जैसी 7 मालाएं बनानी है, हर माला में अधिक से अधिक कितने मोती होंगे, कितने मोती बचे। अब देखो भी 240 हैं टोटल, कितने अभी 240, कितनी मालाएं बनानी है, अभी 7 बनानी है तो 7 से हम भाग दे देंगे, 240 भाग 7। इस प्रकार लिख के आप हल ये रफ में कर सकते हो, पहले भाग जाएगा 2 में जाता नहीं है, फिर 24 में देखे देखो जाता है 7 3 21, अब 4 में से 1 गया 3 बचे, 2 में 2 गया 0, हम 0 उतार लिया नीचे कितने हुए 30, फिर 7 का भाग 2 कितना जाता है अभी 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 0 में से 8 जाते नहीं, इधर हाँसी ली यहाँ हुए 10 10 में 8 गए 2, शेष कितने बच गए अभी 2, तो आप बता सकते हो 34 मोती हो सकते हैं, अधिक से कितने हो सकते हैं अभी 34 मोती, शेष कितने बचेंगे अभी 2, कितने बचेंगे अभी 2, 34 34 7 बार होने के बाद में, 7 मालाएं बनने के बाद में 2 मोती शेष बच जाएंगे। उत्तर की जांच करना हो तो पहले 7 को 34 से गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे, वही हो आपकी उत्तर की जांच और हो जाएगी। अशोक काका ने 120 नींबू के पौधे बाग में लगाए, अब 120 नींबू के पौधे लगाए अशोक ने, यदि वह एक कतार में 8 पौधे बोता है तो कुल कितनी कतारें बनेंगी अभी। अब 120 टोटल पौधे हैं एक लाइन में, कतार में, रो में, पंक्ति में 8 पौधे, तो कितने हुए, 120 को 8 से भाग दे दो, वो ही आपका आंसर आ जाएगा। 8 का भाग देंगे, एक में जाता नहीं, 2 में 2.5 में देंगे तो कितना भी 8 1 8, 12 में से 8 गया 4, उतार लिया हमने 0, 8 5 40, 40 में 40 गया 0, तो
तो 15 कितनी कतारें बनेंगी भी, 15 कतारें बनेंगी। उसी प्रकार एक पैकेट में 39 मीटर रिबन है, कितने मीटर रिबन है अभी, 39 मीटर रिबन है। यदि हर बच्चे को 3 मीटर रिबन देना है, एक पैकेट रिबन कितने बच्चों को बांटा जा, बांटवारा करना हो तो भाग दे दो आप, टोटल कितने अभी 39 भाग 3, 3 में भाग एक बार गया, शून्य आया नीचे, वो नीचे क्या उतारा हमने, 9 उतार लिया, 3 3 9, तो आप 13 बच्चों को बांट सकते हो। उत्तर कितना है अभी अपना, 13 बच्चों को। उसी प्रकार अगला सवाल देखो भी, यदि 12 किताब का मूल्य 215 रुपये है, तो एक किताब का मूल्य कितना होगा अभी, 12 के इतने लगते हैं तो एक का कितना लगेगा अभी, भाग दे दो, 215 में 12 का भाग दे दो, जो भी आंसर आएगा आप लिख सकते हो, कितना आएगा अभी, आप यहाँ पर अपने भाग दे सकते हो, 215 में 12 का भाग देंगे तो पहले जाता नहीं, फिर दो में जाएगा, दो ढाई में जाएगा, 12 एक 12, दो बार करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 21 से ज़्यादा होता है तो जाएगा नहीं, एक में से दो जाते नहीं, इधर सिली 11 11 में से दो गए 9, कितना गया अभी 5। अब 12 7 84 12 8 96, 96 ज़्यादा होता है तो 12 7 84, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11। अब क्या अभी 1 रुपये फालतू लगता तो हम 18 उत्तर आ जाता। अब इसमें आगे भाग देते जाएंगे, यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, फिर इसको 12 में भाग देंगे, 12 निम्न 108, फिर कितना गया अभी 108 आ गया, फिर इसमें घटाएंगे फिर 2 बचा, ऐसे भाग चलता जाएगा, 17.91 पैसे लगेंगे, 17 रुपये 91 या लगभग 92 पैसे लग जाएंगे। अगर यहाँ पर 216 होता तो फिर आपको 18 रुपये खर्च करने पड़ते एक किताब का मूल्य, अब ये पॉइंट में है तो आप 17 रुपये 92 पैसे लगभग कह सकते हैं। अगर 216 रुपये लगते तो आप ओनली 18 रुपये प्रत्येक किताब पर खर्च आता। एक धर्मशाला की भोजनालय में 1500 किलोग्राम गेहूँ है, रोज यहाँ 30 किलोग्राम गेहूँ खर्च होता है तो कितने दिन चलेगा, अब टोटल 1500 है, 30 किलो डेली का खर्च हो जाता है तो 30 30 माइनस हो जाएंगे प्रत्येक दिन, 30 से भाग दे दो, यहाँ जाता नहीं भाग, फिर 2 में 3 में जाएगा, 30 5 150, यहाँ शून्य आ गया, ये शून्य बच गया तो ये शून्य ऊपर चला जाएगा, 50 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा अभी 50 से। लंगर में 600 रोटियां बनी, एक खाने वाले को 4 रोटियां दे तो कितने लोग, एक 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 व्यक्ति को 4 देनी है, 600 कितने को बटेंगे भी, 600 में 4 का भाग दे दो आप, 4 एक 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से नीचे उतार लिया हमने शून्य, 5 का 20, 20 में से 20 गए शून्य, ऊपर शून्य बच गए एक, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 150 लोगों को 150 लोग खा पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।